let's uh, look at question number 6 question number 6 says shown below are two triangles such that length of two sides of each is known triangle klm triangle pqr 3 4 units, 6 8 units along with a given which of these is sufficient to conclude whether triangle klm is similar to triangle pqr so dekhna kya hai hume? triangle klm triangle pqr ke is similar किस बेसिस पे होता है तो दो ऑप्शंस दिए गए हैं वन ऑप्शन इज एंगल के एल एम मतलब ये एंगल एंगल के एल एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर एंड अनदर इज रेशियो ऑफ के एम के एम रेशियो ऑफ के एम लेंथ ऑफ दिस इज टू पी आर रेशियो ऑफ दिस ओके सो वन और टू ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं ना ए पूछ रहा है ए बता रहा है ओनली वन ओनली वन से काम चल जाएगा या फिर बी ओनली टू टू से कम चल जाएगा सी इज़ आईदर वन ऑफ दम ये या ये ये या ये एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा सिमिलैरिटी बिटवीन द टू ट्राएंगल डी वो कह रहा है द गिवन इन्फॉर्मेशन इज इनफ टू कंक्लूड दैट ट्रेंगल के एल एम इज सिमिलर टू ट्राएंगल पी क्यू आर एज रेशियो ऑफ साइड्स इज नोन मतलब ट्राएंगल डी तो अलग ही उसमें है वो कह रहा है कि सिर्फ ये जो रेशियो है एम एल इस टू एल के और आर क्यू इस टू पी क्यू का जो रेशियो है सिर्फ उसी से हम डिटरमाइन uh, कर लेंगे कि ट्रायंगल के एल एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर वी नो एस से एस सिमिलैरिटी साइड एंगल साइड राइट साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी उसमें क्या कहा जाता है अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी इट सेज इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राएंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अनदर ट्राएंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग द साइड्स इंक्लूडिंग

थ्री बाई फोर है आर क्यू बाई पी क्यू कितना हुआ uh, ये है सिक्स बाई एट सिक्स बाई एट अगर मैं ये हटा दूँ देन दैट्स ऑल्सो थ्री बाई फोर मतलब दिस होल्स ट्रू एम एल बाई एल के इक्वल टू आर क्यू बाई पी क्यू दिस होल्स ट्रू तो हमारा साइड और साइड का जो ये जो दोनों साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है ये तो हो गया दिस वी डिटरमाइंड नाउ ओनली वन मोर कंडीशन इज रिक्वायर्ड द एंगल इंक्लूडिंग दीज टू साइड्स इफ दीज इफ दिस इज इक्वल टू दिस means angle l is equal to angle q then it's sufficient to prove by sas similarity side angle side similarity that triangle klm is uh, proportional uh, sorry similar to triangle pqr so only one only one that says angle klm is equal to angle pqr is the only option that is more than enough kyunki hame ratio of sides mil gaya, same hai ratio of the sides including these two angles same hai so only this Particular only one option is more than enough by SAS similarity to prove that KLM triangle is similar to triangle PQR. So we should go for only A option. A is only one. Only one will help us. So A option. Now let's have a look at the question number 7. Question number 7 is saying shown below is a sector of a circle with center P. All lengths are measured in centimeter okay so here 1 centimeter 2 centimeters so on so what is the length of PE PE is this particular length it's asking and uh, options are given for the length of P so at the first look this question seems like wow what to do how to start but this question is actually very super simple let's look at this what is a sector of a uh, circle now if uh, this is this is a uh, okay not here I'll draw here if this is a circle and I take a chunk out of it like this. Okay. I take a chunk out of this. This this uh, this is bounded. This this is called a sector. This is bounded by radii on two sides, though radius, though sideway and circumference, and part of a circumference on the other side. This is a sector. So uh, triangle PQR, this is a sector. Okay. And sector hai or sweep ye, ye, But this is a radius, PQ is the radius of the circle. ये हो गया पी क्यू ये हो गया पी क्यू और ये हो गया पी आर राइट सो मतलब पी आर अगर सिक्स है तो पी क्यू भी सिक्स है बिकॉज इट इज़ रेडियस ऑफ द सेम सर्कल सेक्टर के हिसाब से अगर देखें डिफिनेशन के हिसाब से अगर ये वाला रेडियस सिक्स सेंटीमीटर आ रहा है तो दिस इज ऑल्सो द रेडियस बिकॉज वी नो दैट सर्कम्फरेंस ये सर्कम्फरेंस है एंड इट सेक्टर इज बाउंडेड बाय रेडाई ऑन बोथ साइड्स तो ये हो गया रेडियस ये रेडियस हो गया तो हमें पी क्यू का लेंथ तो पता चल गया सो पी क्यू ही इज सिक्स सेंटीमीटर ओके सिंस पी आर इज सिक्स सेंटीमीटर एक तरह से एक वैल्यू तो हमें पता चल गया नाउ कैन वी कैन वी से दैट दिस इज राइट एंगल एंड दिस इज ऑल्सो राइट एंगल राइट बिकॉज ये क्या है ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है और ये एक्स कॉर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट दूसरा क्यू का है राइट right? नेम दे दिया गया है जीरो जीरो का पी है आर है ई e है क्यू है एंड ये दोनों राइट एंगल्स डेफिनेटली होंगे इफ यू एक्सटेंड दिस अप हियर, देन दिस विल बी अ राइट एंगल एंड दिस विल बी अ राइट एंगल नाउ इन ट्रा लेट मी नेम दिस लेट मी नेम दिस पी क्यू आर एस एंड टी ओके सो इफ आई नाउ लुक एट दिस ट्रा इन ट्रगल पी एस ओके, पी एस सी एंड ट्राइंगल पी क्यू टी मतलब ये जो ट्राइंगल्स हैं पी एस ई और पी क्यू टी इन इन सॉरी पी टी क्यू इन दोनों में ये एंगल पी कॉमन है एंगल पी इज कॉमन एंगल पी इक्वल टू एंगल क्यू एंगल पी And one more thing is that angle S equal to angle T because both are equal to how much 90 degree Right. So both are equal to 90 degrees. So ye hume mil gaya. triangle PSE triangle PSE is similar to triangle PTQ Okay, we could uh, verify from this right triangle PSE is सिमिलर टू ट्रैंगल पी टी क्यू बाई वॉट रूल बाय ए ए सिमिलैरिटी एंगल एंगल सिमिलैरिटी एंगल दो एंगल्स टू एंगल्स आर इक्वल फॉर टू डिफरेंट ट्रैंगल्स टू दोगल्स आर सिमिलर सो पी ए सी और ट्रैंगल पी टी क्यू इस हिसाब से सिमिलर हो गए बिकॉज टू एंगल्स पी इज कॉमन एंड एंगल एस एंड एंगल टी ऑफ बोथ द ट्रैंगल्स आर नाइन्टी डिग्री सो बाई ए सिमिलैरिटी दिस ट्रू ट्रा एंगल्स आर सिमिलर यहां तक पहुंच गए नाओ कैन वी से जो साइड्स आर प्रपोर्शनल वी कैन सेपोर्शनल नाओ दैट द ट्राएंगल्स आर सिमिलर सो ये क्या, क्या साइड है पी एस है राइट पी एस बाय पी टी इक्वल टू पी ई बाय पी क्यू पी एस बाई पी टी इक्वल टू पी बाई पी बाई क्यू पी क्यू सिंस दीज टू ट्रैंगल्स आर सिमिलर सो नाओ पी एस का वैल्यू क्या है पी एस का वैल्यू हमें एक स्कॉर्डिनेट से पता चल जाता है थ्री है वाई तो ज़ीरो है यहाँ पर भी थ्री कमा जीरो जीरो कमा जीरो है सो डेफिनेटली पी एस इज थ्री सिमिलरली पी टू अगर हम रूल रूल डालें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस वाई वन वाई कोऑर्डिनेट्स तो जीरो हैं तो डू व्हाट डू वी गेट फोर माइनस जीरो स्क्वायर का स्क्वायर रूट ये होगा ना पी टी इज इक्वल टू फोर माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जीरो माइनस ज़ीरो बिकॉज वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो है सो इट इज फोर स्क्वायर विच मीन्स फोर स्क्वायर रूट ऑफ फोर स्क्वायर इज फोर सो पी टी हो गया फोर वैसे ही थ्री हो गया पी एस पी क्यू ना पी क्यू का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया बिकॉज इट इज़ अ सेक्टर सो पी आर पी आर का लेंथ अगर सिक्स सेंटीमीटर है दिस इज ऑल्सो अनदर रेडी सिक्स सो सिक्स मिल गया हमें इधर नाओ पी ई ओनली थिंग वी नीड टू फाइंड इज पी ई सो वॉट इट इज थ्री बाई फोर ऑफ सिक्स नाउ इफ यू कैंसल इट आउट हाउ हाउ मच वी गेट नाइन बाई टू नाइन बाई टू इज हाउ मच फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर दिस इज द वैल्यू ऑफ पी ई सो डी डी ऑप्शन अगर हम ए बी सी डी में देखें डी ऑप्शन होल्ड गुड राइट पहले हमने देख लिया पी क्यू इज सिक्स सेंटीमीटर फिर हमने इन्श्योर किया बोधर ट्राइंगल्स आर सिमिलर तो बाई दिस सिमिलैरिटी वी वेंट फॉर दिस रेशियो ऑफ साइड्स बींग प्रपोर्शनल इसको अप्लाई करके वी कुड फाइंड आउट दट पीज वैल्यू इज फोर पॉइंट फाइव सेंटीमीटर सो दिस क्वेश्चन इज रियली सिंपल ओनली थिंग वी नीड टू सी इज अप्लाई द गिवन फैक्ट्स इन अ सिंपल फैशन तो आंसर आराम से आ जाएगा नाउ लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट इज आस्किंग इट्स प्योरली अ थियोरिटिकल क्वेश्चन बिकॉज देर आर नो नंबर्स इनवॉल्व दो थियोरटिकल क्वेश्चन है अ सर्कल इज ड्रॉन टू पॉइंट्स आर मार्क्ड आउटसाइड the circle says that only three transients can be drawn to the circle using these two points okay which of the following is true based on the above information so before going into the options a b c let's first uh, draw a circle this is a circle and it the question is saying there are two points marked outside here here according to my wish i uh, made two points now we know from any given point which is outside the circumference of a circle we can draw two tangents like this and like this perpendicular to the circumference right so yahaseb similarly i draw uh, one more tangent here from here and one more is from here okay so A B I just randomly give them name A B. So 1, 2, 3, 4. I from 2 points outside uh, the circumference of a circle, I could draw 4 tangents. But the question is saying that uh, there are only 3 tangents which are drawn from 2 points outside the circle. Okay. So ye 4 hameth according to our definition There will be 4 tangents. So let's look at the options now. What the option A is saying. Which of the following is true based on the above information? A is saying all three tangents are equal in length. Now, here we have at this moment four tangents. So, all three tangents, ye, three word is also not fitting into our uh, into our definition right now. So, we will leave this option A. Three tangents, and a are equal in length. So, we are not even considering this. So, let's go to B. Both the points lie on one of the tangents. Matla. <laughs> suppose i take another circle here i take another circle and uh, point is here okay again i give it name a draw two tangents to the circumference of the circle okay now uh, i just extend this okay extend this may point this make this b and अगेन दिस इज वन टैजेंट फॉर बी एंड दिस इज अ डिफरेंट टैजेंट फॉर बी डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इज गोइंग फ्राम ए ये अलग हो गया बट ये जो है ए जो पॉइंट है नाउ इट्स लाइंग ऑन द टैजेंट विच स्टार्ट फ्रॉम बी टू वर्ड्स दर्कमेंट्स ए इन दिस केस सो अकॉर्डिंग टू बी बी से बोथ द पॉइंट लाई ऑन वन ऑफ द टैजेंट सो ये हो गया वन ये कॉमन है हालांकि ए से एक टैंजेंट गया है बी से थोड़ा एक्सटेंड होके पीछे से गया है बट हे तो ए कॉमन टैंजेंट नाउ वन टैंजेंट हियर Second tangent, which is distinct, different, is this one, and third tangent is here from B. So now, this. If we look at B, ko dekhe, both the points lie on uh, both the points lie on one of the tangents. Then this is uh, this holds true, right? If is condition, pe, three tangents are Otherwise, four are So according to us, uh, our definition and what we know right now, we can say that B is true. B holds true okay question number 8 also we have completed it's a purely a theoretical question start with question number 9 question number 9 is saying shown below is a circle with three tangents kq kp and lm ql or 2 centimeter k l 6 centimeter pm is half of k l it is asking the measure of angle LMK and is y angle putra i angle cut um, measure here so uh, let's look at uh, the values यहाँ पे मैं uh, लिख लेती हूँ क्यू एल क्यू एल इज़ टू सेंटीमीटर और के एल हमें दिया गया है सिक्स सेंटीमीटर ये है के एल सिक्स सेंटीमीटर देन हमें बताया गया है पी एम इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ़ के एल सो जो ये पी एम है कैन आई राइट लाइक दिस पी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एल मीन्स इट विल बी सिक्स बाई टू Because KL K ka measurement 6, six, six centimeter given hai, so PM becomes equal to three centimeter. Ye hame mil hai, three centimeter. Now, if we have read the circle and tangent uh, properly, then we know there's a property of tangent that from any given external point, when a when two tangents are drawn to a circle, circumference of a circle, the lengths are same, which means KQ is equal to K. पी ये जो के क्यू है और ये जो के पी है बोथ देंथस आर सेम ना इफ द लेंथस आर सेम तो के पी का क्या हुआ के पी इज एक्चुअली के पी कंस ऑफ के एम एंड एम पी राइट के एम प्लस एम पी मेक्स द उल्ट टोटल के पी सो हमें uh, इससे हमें मिल जाएगा के एम का वैल्यू राइट के के एम का वैल्यू हमें यहीं से मिल जाएगा कैसे मिलेगा के एम विल भी इक्वल टू के um, क्यू हमें पता है नाउ 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 दैट के क्यू इज वी तो हमें लिख सकते हैं ना के एम इक्वल टू के क्यू माइनस एम पी के क्यू के वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है ये है टू सेंटीमीटर ये है सिक्स सेंटीमीटर ऐड कर देने से हो जाएगा एट सेंटीमीटर सो दिस इज एट के क्यू के वैल्यू एट है माइनस एम पी एम पी कितना है एम पी हमने ऑलरेडी हमें uh, मिल गया है वी फाउंड इट हियर एम पी वैल्यू इज थ्री सेंटीमीटर सो आई सबस्ट्रैक्ट बोथ ऑफ देम विच विल गिव मी के एम वैल्यू विल बी इक्वल टू हाँ मच एट माइनस थ्री इज फाइव सेंटीमीटर तो मुझे ये फाइव सेंटीमीटर मिल गया ओके सो अगर ये थ्री सेंटीमीटर है दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट एक्सटर्नल राइट एक्सटर्नल टू दिस सर्कल तो यहां से ये भी गया है टैंजेंट ये एक टेंजेंट गया है एम पी और एम एन अगर ये लेंथ थ्री सेंटीमीटर है बिकॉज टैंज इज फ्रॉम द सेम पॉइंट एम एंड टेंजंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज ऑफ सेम लेंथ तो ये अगर एम पी थ्री सेंटीमीटर है तो ये भी थ्री सेंटीमीटर है राइट उस हिसाब से ये पॉइंट एल भी एक्सटर्नल है और या एल और क्यू के बीच अगर डिस्टेंस uh, जो है टू सेंटीमीटर है तो एल और एन के बीच भी टू सेंटीमीटर ही होगा डेफिनेटली

नाउ ये ट्रायंगल uh, मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पर ड्रा कर देती हूँ फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ये ये एक लाइन है ये एक लाइन है ये एक लाइन है राइट right? ये के है ये एम है और ये एल है हमें यहाँ पर 50 डिग्री गिवन है और हम अब भी डिटम ये 6 सेंटीमीटर भी हमें मिल गया था एल गिवन है और ये हमें फाइव सेंटीमीटर एम के यहाँ से हमें मिल गया फाइव सेंटीमीटर हमने अभी भी यहाँ पर डिटरमाइन किया था फाइव सेंटीमीटर और हमें ये भी एल एम भी पता चल गया ये फाइव सेंटीमीटर है नाउ अकॉर्डिंग टू आइसस खेलेस ट्रैंगल इफ टू साइड्स टू साइड्स ऑफ अ ट्रैंगल हैव द सेम लेंथ देन ऑपोजिट साइड पे जो एंगल है वो सेम रहता है मतलब ऑपोजिट साइड ये जो टू साइड्स हैं इनके उसका ऑपोजिट साइड एल के है एल के पे जो भी एंगल्स बनेंगे वो दोनों ही सेम होंगे मतलब ये अगर 50 डिग्री है दिस इज ऑल्सो 50 डिग्री सो नाउ वी नो दीज टू एंगल्स सो कैन वी फाइंड हमें तो बताया पूछा पुछ, गया है एंगल एल एम के सो कैन आई राइट अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ ट्रैंगल जो होता है वन एटी डिग्री होता है वन एटी डिग्री से अगर मैं फिफ्टी प्लस फिफ्टी सब कर दूंगी हंड्रेड डिग्री सब कर दूंगी देन विल आई नॉट गेट द एंगल द एंगल वैल्यू ऑफ एल एम के एल एम के विल एटी डिग्रीज राइट सो एंगल एल एम के हमारा निकल गया ये हो गया हमारा एटी डिग्री सो लेट्स लुक एट द ऑप्शन वन इज सी सी ऑप्शन गिव्स अस एटी डिग्री सो आई एल एक्सप्लेन अगेन वी आर टेकिंग वन थिंग इन टू मेजर कंसिडरेशन वो है ट्रांजेंट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट विल बी सेम इन लेंथ तो उस हिसाब से हमें ये मिल गया के uh, पी और के क्यू सेम होगा तो so, अगर के क्यू हमें मिल गया टू प्लस सिक्स एट सेंटीमीटर तो हमने वही अप्लाई करके यहाँ पर के एम की वैल्यू निकाल दी के एम की वैल्यू फाइव सेंटीमीटर निकाल दी ये हो गया उसके बाद हमें पता है सेम थिंग सेम टैंजेंट वाली जो लेंथ वाली इसको डाल के इक्वलिटी को डाल के थ्री सेंटीमीटर थ्री सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर करके हमने ये भी पता लगा लिया ये एल एम का वैल्यू टू प्लस थ्री फाइव सेंटीमीटर होगा तो उसके बाद हमें आइसोसलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी डालनी डाल दी 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर दो साइड सेम है तो मतलब अपोजिट साइड पे जो एंगल्स लाई कर रहे हैं दे आर सेम ऑफ सेम मेजरमेंट तो ये 50 डिग्री यहाँ से 50 डिग्री ये भी 50 डिग्री हो गया एंड फाइनली हमने जो सम ऑफ एंगल वाली रूल को अप्लाई करके 180 माइनस हंड्रेड करके एल एम के को एंगल की मेजरमेंट निकाल दिया इट्स एटी डिग्री सो सी इज़ दिस थिंग वैल्यू और ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर नाइन

और ये PQ लाइन पैरल है इच चदर को और हमें थीटा का कॉस थीटा का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दीज ए वेरिएबल्स हमें बताना है सो so, नॉर्मली मुझे अगर कॉस थीटा निकालना है तो मैं क्या करूँगी इधर देखूँगी बेस जो है मेरा Z है इन दिस केस बेस बाय हैपिटनस करूँगी और मेरा OP OP जो हैपिटनस है बी प्लस वाई होगा उसका वैल्यू Z बाई बी प्लस बी प्लस वाई राइट ये होगा अगर मैं फर्स्ट लुक में देखूं देन आई लुक फॉर द ऑप्शंस ऑप्शंस में z बाई बी प्लस वाई जैसा कुछ है ही नहीं तो क्या ऑप्शंस गलत है क्वेश्चन गलत है नहीं इसका मतलब हमें कुछ और भी देखना है जिससे cos थीटा का वैल्यू निकल रहा होगा लेट्स लुक एट दिस केयरफुली हमें और एक पॉइंट भी बताया बताया गया है अपार्ट फ्रॉम गिविंग अस बी वाई ए एक जेड ये सब वैल्यूज हमें और एक पॉइंट बताया गया है कि ये जो दो लाइन से ए बी और पी क्यू दे आर पैरल नाउ कैन वी से दैट दिस इज अ ट्रांसवर्सल ओ पी इज ट्रांसवर्सल सो अगर ये थीटा एंगल है तो ये भी थीटा एंगल होगा हम पैरल लाइन्स और ट्रांसवर्सल हमें काफ़ी आई थिंक सेवेंथ ग्रेड या एइट ग्रेड में पढ़े हैं तो वही नो अगर ये थीटा है ये थीटा होगा ये नाइन्टी डिग्री गिवन है तो ये भी नाइन्टी डिग्री है डेफिनेटली तो ये अगर कॉस्टा है तो कैन आई से नाओ कॉस्थीटा विल बी इक्वल टू कॉस्टा विल बी इक्वल टू दिस बेस ए बी जिसका वैल्यू है सी हमें बताया गया है सी बाय दिस हाइपोटेंस ओ ए विच इज बी कैन वी सी दिस नाउ क्योंकि हमें ये पैरल बताया गया है यहीं से हमें हिंट लेकर यह समझ लेना होगा ये ट्रांसवर्सल एक जैसा है एंड इफ दिस इज पैरल टू दिस दैन दिस एंगल विल बी सेम एज दिस एंगल सो ये थीटा बन गया है और ये कॉस्थीटा विल बी ए बी बाई ओ ए सो ए बी बाई ओ ए मीन्स ए बी मतलब हमें सी दिया गया है ओ ए का वैल्यू बी दिया गया है सो so, कॉस्थीटा इज सी बाई बी यह भी गलत नहीं है पर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है सो वी लुक एट द ऑप्शन फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन सी ऑप्शन बी इज सी बाई बी विच इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टेन टू वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर सिक्स टू टेन फ्रॉम सेक्शन ए मैथ्स प्रैक्टिस पेपर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री रिलीज बाई सी बी एस सी इफ यू वॉन्ट टू वॉच अदर क्वेश्चन अटेम्प्टेड बाई मी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनलमिक्स थैंक यू बाय